कुर्बानी 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 अल्लाह तो प्यारी है कुर्बानी। बकरे, अरे वो बकरे मैं तेरे पायों का सालन बना के खाऊंगा। मैं तेरे दुल्ले की बादी बना देता हूँ। मैं तेरे बोटियों की कबाब बना के खाऊंगा। मैं तेरे भेदे तू फ्लाई तल देता हूँ। तू जबान खा रहे तो तेरे जबान साफ होती तेरी। बैदान तुम मेरी दाने ना दी पर तू मेरी दम न कर रहे। सुन रहा, खामोश बैठ जरा, तू दिमाग खराब ना कर। बकरे का क्या है देख तू। अजी तुम गधे के साथ क्या कर रहे हो। अजी बादी मैं तू धधा बोले तू ते को नहीं रे बकरे को बोल रही हूँ। अरे ओ अंधी औरत पागल औरत जरा गौर से देखो ये बकरा है गधा नहीं। अजी पागल आदमी मैं भी बकरे से ही पूछ रही हूँ कि गधे के साथ क्या कर रहा बोल के। तुम्हारे बाबा के जवानी के खिस्सा सुना रहा मैं। कौन है बकरे के साथ कैसा ऐसा मुंडिया लड़ा लेते फिरते सो। तुम्हारे बाबा करते थे होंगे वो सब। हाँ तुम्हारे अम्मा के साथ नेगलिजेंट पर पानी पूरी खाते थे। अम्मा बाबा तो कर नहीं, अम्मा बहन पे आ जाऊंगी मैं। रे छोटा तू जा रहे बकरे का घास पानी क्या है तू देख ले। मैं देख रहे तू जा रहे तू जा चलना बोल रहा मेरा गुस्सा खराब है चलना तू दिखना ना मेरे को ये नहीं खा रहा हूं घास लेकर चलना। एक दो हमारे अम्मा बाबा का नाम लिए बगैर तुम्हारा दिन नहीं गुजरता। नहीं मेरे को घस लिए बगैर तुम्हारा दिन नहीं करता। नहीं तुम क्या घसनी है घस लेने के वास्ते। रे अब इसको बताना पड़ता है मैं क्या हूं और क्या नहीं। तू जब तक पानी पी और वो खा बैठ। ए तुम्हारी तो क्या बोल रहे थे। छी छी तौबा तौबा क्या गंदे आदमी है जी तुम। क्या हुआ जी पछता रही तुम्हारे शादी करके। तो मैं कौन सा खुश हूँ जी तुम्हारे शादी करके। तुम्हारे को मालूम मेरे वास्ते दूर दूर से रिश्ते आते थे। दूर दूर से चंगे ना जी खरीब वालों को तो मालूम था तुम कितने दलिंदर है सो उनसे भी लड़ते थे होंगे। हाँ तुम्हारे साथ संसार कौन कर रहा अभी इधर। तुम्हारे वास्ते खाना पकाने के कौन दे रहा। तुम्हारे कपड़े कौन धो रहा। प्यास लगे तो पानी कौन दे रहा तुम्हारे को। तो एहसान कर रहे देखे। क्या एहसान फरामोश आदमी है जी तुम। अजी बेकदर इंसान जरा सोचो अगर मैं तुम्हारे से शादी नहीं करती तो तुम्हारा क्या होता था। अच्छा ही होता था कम से कम मैं सुकून में तो रहता था भाई। इतनी तकलीफ है तो भेज दो ना भाई मैं चली जाती हमारे अम्मा के घर को। हमारे अम्मा नक्को बोलो तुम। तुम्हारे अम्मा बोलो जो उनकी घर की मुसीबत मेरे गले डाल दिए। ठीक है भाई छोड़ दो मेरे को नहीं तो मैं अकेली चली जाती। मैं जाओ ना जी जाओ ना दरवाजा खुला है कौन हाथ पकड़े तुम्हारा। चली जाती चली जाती जाओ। फिर तुम यही चाह रहे मैं चले जाना चाह रहे ना तुम मेरे से पीछा छुड़ा के खुद सुकून में रहना चाह रहे मेरी जिंदगी मेरा सुकून बर्बाद कर रहे और तुम चाह रहे कि मैं तुम्हारे को सुकून में रहने दूं। हाँ वाह मैं ये कभी नहीं करूंगी। तुम सुकून में रहो ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हारे को सुकून में रहने दू ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं हमारे माँ के घर को नहीं जा रही प्लान कैंसिल। अरे नक्को था भाई नक्को था कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मगर तेरा अल्लाह के वास्ते सुकून से रहो और सुकून में रहने दियो। तो भाई हमारे को छेड़ो नक्को तुम। ओहो तुम 18 साल की कोमल कली है तो मैं तुम्हारा कुछ छेड़ता हूँ। भूल गए वो दिन कैसे भवरे के तरह मेरे पीछे पीछे घुमा करते थे। हाँ मेरे घर के बाहर सुबह से शाम तक वॉचमैन गिरी करते फिरते थे। आ तो शुक्र मनाओ मैं तुम्हारे को मेरा दिल दी नहीं तो तुम जान दे देते थे। तुम खाली दिल दिए जी। हाँ लड़का खाली दिल देते लड़के तो दिल के साथ बिल भी देते। तुम बैगन दिए तुम्हारे खर्चे भी मैं ही छुटाती थी याद है वो देना। रांदे भाई वो चू दिना याद दिला के तुम मेरे को शर्मिंदा नको कर। खर्चे से याद आया ये महीने में खर्चा बहुत हुआ वो हिसाब दे चलो चलो। चिट्ठी है ये देखो ये चिट्ठी है तुम इस देख लो हिसाब कहाँ कितना खर्चा तुम इस देख लो। 6000 का राशन 900 एनएम के जी के 1500 की तरकारी 500 एनएम के जी के 1200 का गोश्त 300 एनएम के जी के 4000 का ब्यूटी पार्लर के
200 रुपए एनएमके जी के। ए, ये एनएमके जी के क्या है जी? नहीं मालूम कहाँ गए कि। ए, क्या है जी ये सब? नहीं मालूम क्या गए कि बोले तो क्या मतलब जी? अरे ऐसा हवा पे जिंदगी की ओर करे तो कैसा जी? एक एक रुपए का हिसाब रहना। जान दो जी, छोड़ो, अब इतना सोचे तो जिंदगी कैसा करते? अरे सोचना पड़ता बेगम, सोचना पड़ता। मुश्किल के वक्त में कोई भी काम में नहीं आते। सुने, चार लोगों से पैसे पूछे तो चार गालियां देते, थूकते। फजूल खर्चा करने के बजाय वही पैसे अगर सेविंग करके रखे तो मुश्किल के वक्त काम में आते बेगम, नहीं तो लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता। हाँ ये बात तो तुम सही बोल रहे, मैं अब से सेविंग स्टार्ट करती हूँ। गुड गुड। क्या है, मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे दे तो नेमत, ना दे तो किस्मत, लेकिन दुनिया वालों से हरगिज नहीं मांगना। दिया तो ऐसा, नहीं दिया तो शर्मिंदगी। ये बात सही बोले जी। देखो तुम बेगम। आज मेरा दिन, आपको कुछ देना पड़ा। क्या जी? फूल है गुलाब का, खुशबू तो लीजिए, मोहब्बत है हमारी, कबूल तो कीजिए। हट। कहाँ है बेगम? प्लास्टिक का फूल है, कुछ तो भी सोने की चीज दो जी। ये लो नींद की गोली। और तुम्हारे से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते? अरे तुम ईद बोले ना बेगम, कुछ तो भी सोने की चीज दो तो नींद की गोलियां दिया मैं। सोने की बोले तो गोल्ड की चीज दो। वो मतलब था तुम्हारा? अरे देंगे जी, इंशाल्लाह देंगे, आने टाइम देंगे। टाइम आता नहीं, टाइम लाना पड़ता। ओके मैडम, इतना लेंगे भाई, वो सब छोड़ो, पहले मेरी वॉलेट कहाँ है वो देख के दियो भाई। अरे है ना जी, पॉकेट में मोटा मोटा क्या दिख रहा। अरे अच्छा बोल लिया तुमने, तुम पूरा घर ढूंढ लेते फिरता था उसको। बादाम खाओ बादाम। मेरे चार सवालों का जवाब दिया, मैं तुम्हारे 2000 रुपए देता हूँ। पूछो पूछो। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद की शान क्या है? चार मीनार। तुम्हारे बाबा के अम्मा की बहू तुम्हारे को कौन होना? अम्मा। मेरे 2000 रुपए चुरा के किधर रखे? वो शेल्फ में पेपर के नीचे। सॉरी बेगम। अगली बार से अगर आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो आप मेरे से पूछो, पूछ के लियो। ऐसा बिना इजाजत किसी के वॉलेट में हाथ डालना और पैसे लेना गलत बात है, उससे बरकत ख़त्म हो जाती है और ऊपर से वो चोरी भी है। अगर आपको कभी पैसों की ज़रूरत रही तो आप मेरे से पूछो, मैं देता हूँ आपको। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना आप, क्या बोलो? और जो पैसे आप ले लेना रख लो, कोई टेंशन की बात नहीं, मगर अगली बार से पूछ के लो। और ज़रूरत पड़ रही है आपको तो मेरे से पूछो, मैं देता हूँ आपको, मगर ऐसा बिना पूछे न कुल, दैट इज रॉन्ग। बेटा क्या है? बदले थी धांत ला लिया, थताते भी बात कर लिया उन्हें, आतुम बोला इतने दिन और तब से पहले अपना एक बदला था, आतुम बोला उन्हें। गुड, ये सबसे अच्छा काम करा, ये सबसे अच्छा काम करा बेगम। तुम भगवने पतीले थालिया थाले जो भी धोना है धो के रेडी रखो, काटते की सीधा गोश्त उस पर डालिएगा। अच्छा सुन, तू पहली पर सीधा कवरा लेकर जा। रुक रुक रुक, कवरा ना छोटे छोटे लेके आ, उसमें थोड़ा गोश्त डालेंगे ना तो ज्यादा दिख के आता। मैं क्या बोल रही हूँ, अपन लोग का साफ गोश्त का अचार डाल देंगे और फसलों के गोश्त का कबाब बना देंगे, और जो बचा चिचड़े चिकना हड्डिया वो सब बांट देंगे लोगों में। क्या बोलते? बेवकूफ है क्या आप? हम कुर्बानी गोश्त का अचार डालने या कबाब सुखाने के वास्ते नहीं देते, हम कुर्बानी अल्लाह की रजामंदी के वास्ते देते। और अल्लाह कब राजी होते? जब हम नेक नीयत से कुर्बानी देंगे। कुर्बानी का गोश्त जिसका हक का है उसके हक तक, उसके घर तक जब तक हम गोश्त नहीं पहुंचाते तब तक हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होती, समझे आप? कुर्बानी अल्लाह की रजामंदी के वास्ते देना है। अच्छा ठीक है भाई, जो तरीका है वही तरीके से देंगे अपन लोग। गुड, तई बात बोले बदान तुम, मैं तो भी ये तीद आई उसका थमला दोबल पूरा थैले में बनते ले जाते दूर ततला तुंदी में फेंकते आता हूं। गुड,
बहुत अच्छी बात करा तू, अपन कुर्बानी दे रहे, लोगों को तकलीफ नहीं देना। अरे तुम लोग तो तत्तल में मैं बतले, तू पानी डालना भूल दिया। अरे बकेट है देख वहां पे, बकेट बकेट से पानी डाल दे। यहां है, इधर बाथरूम में है, बकरा उधर है ना। बकरा तुम पानी बोला तुम क्या, हथोदी हथोदी बतला भूत प्याता है क्या, दीवाने बातें करते। सुने भाई जरा बनन 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 क्या रे, क्या 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 बतला बतला तू नहीं उठा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। आप सब लोगों को टीम गोल्डन हैदराबादी की तरफ से ईद मुबारक, बकरीद मुबारक। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर मार के वायरल करिए, और जितना हो सके उतना लाइक करिए। ये बार हमारा टारगेट जो है 1,00,000 लाइक्स का है, और आप लोग करते हैं हमारी उम्मीद है। नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, इंशाल्लाह उतारा करिए। जितना लाइक करेंगे तब वीडियो स्प्रेड होंगे, जितना वीडियो स्प्रेड होगा आपको हम अच्छे अच्छे कंटेंट ला के देते रहेंगे। और इनको जरा फोन पे बात करा दे। तो गाइज एक और ये बात आप लोगों से बोलना है कि भाई बकरीद के मौके पे जो है जब हम कुर्बानी देते तो खून रोड पे आ जाता है, चमड़ा फेंक देते, गंदगी फेंक देते, ये चीज़ मत करिए आप लोग। खून अगर आप बाहर फेंकते तो अच्छा सा पानी मार के जो है दूर कर दीजिए, उसकी बो आती, गंदगी आती, मच्छर आते, मक्खियाँ आते, उससे बीमारियाँ आते। और गलासत वगैरह आप जो है उसका कचरा वगैरह रोड पर मत फेंकिए, एक थैले में डाल के बाहर फेंकिए, बिकॉज कुर्बानी देना है, लोगों को तकलीफ नहीं देना है। तो इन चीजों का खास ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट सैटरडे। बाय बाय, टेक केयर, खास करके रखो पोटलियां। हाँ।